ओके सो सबसे पहले तो वेलकम करना चाहेंगे एंड जानना चाहेंगे कि वी हैव नॉट सीन यू सो मच इंटरैक्टिव व्हाई इज दैट सो सबसे पहले तो इससे जानना चाहेंगे आई लिव इन माय ककून एंड मैं अपने रूम में बंद रहता हूँ अपना काम करते रहता हूँ एंड आई वुडंट से आई डोंट पार्टी बट पार्टी विद ओनली क्लोज फ्रेंड्स सो मेरा ये रहा है कि बस मैं काम करते रहो काम बोले तो बेटर और कभी कभी बोल देता है तो उसके थ्रू फिर यू नो यू गेट वर्क वर्क गेट्स वर्क मेरा मेन मोटो इज़ दैट एंड probably I'm not a good salesman for myself so I prefer ki jo mujhe aata hai main wo karu kaam karne aata kaam kar lu okay lekin phir bhi you know being in this industry kabhi aisa nahi laga ki mujhe thoda sa hona chahiye interactive logon se you know jo main nahi hu main hone ki koshish karta hu 10 din aisa karta hu fir wapas wahi kar deta hu so I have come to a conclusion matlab maine decide kar liya जो मैं हूँ आई थिंक उस पर खुश रहूँ एंड नॉट ट्राई टू एडजस्ट टू समथिंग एल्स एंड गॉड्स रियली बीन काइंड के कुछ काम करता हूँ तो वो काम के थ्रू दूसरा काम आ जाता है तो काम चालू रहता है एंड दैट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक आई हैव सो मैं नए लोगों को ये रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप मत करिए अपना काम करिए बट टिल अ लिमिट ऑफ कोर्स द वर्क हैज़ टू स्पीक इवन ऑफ कितनी भी जान पहचान के थ्रू या जाने से पीछे पड़ने से काम ले लो काम अगर आपका सही नहीं हो तो वापस वैसे भी वो काम नहीं लगना सो इवेंचुअली योर वर्क स्पीक्स एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू मीट पीपल एंड ऑल दैट यू गेट टू नो व्हिच प्रोजेक्ट्स अराउंड ऑल दैट सो मेरे केस में आई हैव जस्ट बीन टू लकी ओके स्टार्टिंग अप विद योर जर्नी यू नो विल डेफिनेटली लाइक टू नो कि किस तरीके से शुरुआत की और कहां से शुरुआत हुई और कैसी रही जर्नी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे पिताजी जो हैं चरणजीत सिंह जी वो शंकर जय किशन जी एस डी बर्मन जी आर डी बर्मन कल्याण जी आनंद जी इन सब के साथ में एज अ सेशन म्यूजिशियन प्ले करते हैं एंड ही इज़ बीन अ एस म्यूजिशियन सो जैसे आर डी बर्मन का जो कोर टीम होती थी माय डैड वाज अ पार्ट ऑफ दैट सो ऑल बेस गिटार इज प्लेड बाय हिम फॉर जिगर्स सॉन्ग्स तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे और कुछ करना ही नहीं है आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट ओनली सो माई ड्रीम हैज़ बीन दैट लाइक आई सेड आई वाज टू लकी आई गॉट टू डू दैट मच अर्लियर इन माई लाइफ एज अ गिटारिस्ट मैं इंट्रोड्यूस हुआ उत्तम जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था एंड मेरा फर्स्ट गाना था जो उन्होंने मुझे चांस दिया था बजाने का वॉज बारिस पिक्चर गाना मुझे गाना ना मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम लता जी और मनमोहन सिंह जी ने गाया तो वो एक मौका मिला वहाँ से 3-4 साल मैं उत्तम जी के अंदर ट्रेन हुआ और फिर उसके बाद में देन आई स्टार्ट प्लेइंग आउटसाइड फिर पंचमदा से मुलाव आया कल्याण जी आनंद जी सबके साथ आनंद मिलन के साथ बहुत सारे साल ऑलमोस्ट ऑल सॉन्ग्स देन विजू शाह जी के साथ में कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया राजेश रोशन जी ने सबको साथ रह के एज अ म्यूजिशियन ऑब्जर्व करने मिला अच्छा कैसे काम होता है कैसे कोई सिचुएशन होती है कैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर सोचता है फिर आस्ते आस्ते अपना काम करना शुरू किया आदेश श्रीवास्तव और मैंने हमने साथ में मिलकर एक इंस्ट्रूमेंटल एल्बम की थी कुछ अपना करना चाहते थे तो वो शुरुआत की थी तो वो एल्बम बहुत चली थी और उसके बाद में देन वी डिड सम यूके में पंजाबी बैंड्स का पूरा शुरू हुआ था उस टाइम से लॉट ऑफ बैंड्स ने हमने म्यूज़िक किया था और देन मुझे मौका मिला रंजीत जी जो हैं उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी कारनामा तो वो उन्होंने जब बनाई तो उन्होंने मुझे मौका दिया बैकग्राउंड स्कोर करने का तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट चांस था तो वहाँ से जो शुरू हुआ आई गेस एंड ही इज़ माई मास्टर ऑल्सो सो एक बहुत वेल विशेस के साथ जो मेरी शुरुआत की उन्होंने तो मेरा आज तक इट्स बीन अ ब्लेसिंग ओके सो बात करें अगर हम आपकी पर्सनली तो जैसे आपने कहा यू नो आपने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है तो तब से लेकर अभी तक में अगर हम बात करें म्यूजिक की तो क्या चेंजेस आए हैं बहुत बहुत कुछ चेंजेस आए एंड आई कंसिडर कि मेरी जनरेशन के जो लोग हैं माई जनरेशन
हैज़ बीन द लकीस्ट बिकॉज हमें वो दौर भी देखने मिला विद ऑर्केस्ट्रा काम हो रहा है, म्यूजिशियंस के साथ काम हो रहा है. हम सुबह 9:30 बजे 9 बजे शिफ्ट शुरू होती थी, 1:30 बजे तक गाना रिकॉर्ड हो जाता था विद सिंगर, वो भी देखने मिला है. और फिर उसके बाद में हमें ये भी देखने मिला कि हम 3-3 दिन तक यही गाने पर लगे हुए हैं, और क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो वी कैन रियली डू इट वेल ऑल दैट. तो हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो आज सिर्फ इतना होता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करे आदमी, नहीं तो उसकी यूजेज ऐसे हो जाती है. अच्छा ये मिक्सिंग के टाइम कर लेंगे, अच्छा ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं. और खाली एक ही अगर मैं नेगेटिव साइड का थोड़ा भी सोचूँ तो ये है कि पहले सब साथ में बैठ के जो एनर्जी आती थी, एनर्जी शेयर होती थी साथ में बजाने का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगी. क्योंकि एक आदमी आता अपना पार्ट बजाता चले जाता, दूसरा आता बजाता चले जाता. तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू पुट टुगेदर एंड वॉट कम्स आउट ऑफ इट. मुझे लगता है दिस इज अ वेरी सोल स्टरिंग जॉब टू मेक अ सॉन्ग और टू मेक एनी म्यूजिक. जो साथ में बैठने वाला, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो मिस आउट हो गया है वो कहीं ना कहीं अभी इवेंट्स में लाइव स्टेज ये आके मे बी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ लेकिन लाइव में हो गया है. सो दैट होल मज़ा आता है सुनने का. ओके, कमिंग अप टू द वेरी लेटेस्ट सॉन्ग ऑफ योर फ्रॉम फिल्म केसरी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए. मैंने केसरी में गाने नहीं किए हैं, मैंने केसरी में बैकग्राउंड तो गाने आर को उन सब में किए. तो ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आई थिंक जो बैकग्राउंड म्यूजिक कर सका है वो उनके गानों ने भी फिल्म में किया है. इट्स लाइक ए जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी डूइंग. और बैकग्राउंड स्कोर एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली हमारा जो भी बैकग्राउंड स्कोर करता है उसका पार्टिसिपेशन जब फिल्म शूट हो जाती है, एडिट हो जाती है, तब उनको बुलाया जाता है कि अब ये सीन्स के ऊपर हमको बैकग्राउंड म्यूजिक करना है. इस फिल्म में अनुराग सिंह जो डायरेक्टर है केसरी के, उन्होंने मुझे फिल्म के शूट से पहले से इन्वॉल्व किया हुआ था, नरेशन दी थी कि ये स्टोरी है ये. और फिर हमने कुछ म्यूज़िक पीसेज जो बैकग्राउंड स्कोर के पीसेज है वो हमने पहले रिकॉर्ड किए, और पहले रिकॉर्ड करने पे ये हुआ कि दोस पीसेस पे उन्होंने शूट किया उसको लेके जैसे हमने किया था. सो एक तरफ से देखें तो जो डायरेक्टर का इमेजिनेशन था ऑफ ये वॉर ड्रिवन ड्रामा एंड एवरीथिंग को म्यूजिकल कैसे बनाना है उनके दिमाग में था. हम लोग उनके टूल्स हैं जो उनको बता सके कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, अच्छा ये आइडिया ऐसे कर लेते हैं. बट मैं बिलीव करता हूँ कि डायरेक्टर हैज़ लिव्ड द फिल्म मैक्सिमम राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन जो स्टार्ट होता है और राइटिंग एंड एवरी स्टेज पर उन्होंने ये चीज़ को निहारा है, निखारा है. सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना. एंड फॉर अस बैकग्राउंड म्यूजिक जो हम करते हैं हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टर्स जब शूट कर रहे होते हैं तो वो शूट करते हुए भी उनके दिमाग में एक टेम्पो चल रहा होता है कि ओके ये सीन का ये, तो वो उनके दिमाग की चीज़ पढ़ना और समझना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बैकग्राउंड स्कोर करने में, क्योंकि देन ही आप वो चीज़ दे पाओगे जो डायरेक्टर को चाहिए. केसरी के केस में आई थिंक शायद ही जो बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं उनके लाइफ में ऐसी एक पिक्चर. ओके, अगर बात करें हम यू नो अक्षय कुमार जी की, तो 12 फिल्में आपने उनके साथ में की है आई गेस. मैंने काउंट की. एंड उनकी फर्स्ट फिल्म जो थी सौगंध, उसके लिए भी आपने म्यूजिक दिया था, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा. इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस एक्चुअली. उस टाइम पे मैं डड्डू जी के साथ में भी काम कर रहा था, तो प्लस केशव राम से जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, तो केशव जी के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई, डड्डू जी के साथ में ट्यूनिंग हुई. This was supposed to be Akshay Kumar's first movie. Actually, there was another movie, Deedar. I had worked on the songs of that also with Anand Mahindra on that. So, but this film released first. So, iska background score karne ka mauka mujhe mila. So, we did that. Uske baad mein kahi film aayi, jaise Sainik, Mr. Bond, kahi thi. To, jo Keshav Ramse ji kar rahe, toh achhi tuning hui, toh ek team work tha, woh kar rahe the. Then, uske baad Keshav ji प्रोड्यूस कर रहे थे, उमेश मेहरा जी ने सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया उसमें भी, फिर खिलाड़ियों के खिलाड़ी, तो वो खिलाड़ी सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम ऑल दैट. तो उस वहाँ तक तो मैं था ही, फिर बहुत बड़ा गैप आया और अब मुझे चांस मिला वापस अक्षय कुमार जी की फिल्म में काम करने का. एंड ऑल्सो महेश भट्ट जी के साथ में भी आपने बहुत काम किया है.
और उनके सॉन्ग्स मतलब ऑलमोस्ट सभी फिल्मों के गाने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किए हैं, तो उनके साथ में काम करने का एक कैसा अनुभव रहा है? मेरी शुरुआत भट्ट साहब और मुकेश जी के साथ में काम करने का, मोहित सूरी की फर्स्ट फिल्म थी जहर, जहर। वहाँ से मौका मिला मुझे करने का। उससे पहले मैं महेश भट्ट जी जो है उनके साथ में फिर भी काम कर चुका था, क्योंकि हमारी एक एल्बम थी जावेद साहब अलका याग्निक जी और मैंने की थी एल्बम तुम याद आई, जिसमें वो गाना था सारे सपने कहीं खो गए आए हम क्या से क्या। तो वो जो एल्बम थी उस वो गाने का जो वीडियो था वो महेश भट्ट जी ने डायरेक्ट किया था, तो हम उस दौरान मेरी पहचान उनसे हुई थी वैसे पूरा। और उसके बाद में कट टू स्ट्रेट मोहित सूरी की जो फर्स्ट फिल्म थी जहर, उसमें मुझे मौका मिला एंड वहाँ से जो शुरू हुआ है प्रॉबेबली आई थिंक 10 में से 9 फिल्में उनकी आज तक तब से मैंने की हुई काफी है। है। और मधुर भंडारकर जी भी तो यस मधुर है। भंडारकर ऑल्सो इट स्टार्टेड ऑफ विद चांदनी बार, चांदनी बार से जो शुरू किया था उसमें भी उसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। फॉर दैट स्कोर वी गॉट अ देयर वाज अ रशियन फिल्म फेस्टिवल जिसपे बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल मिला था। सो चांदनी बार, उसके बाद में वी डिड सत्ता, सत्ता में मैंने गाने भी किए थे जो आशा जी और सोनू जी का गाना था, सोनू गाने का नाम था वो गुनगुनाती है गीत गाती है जिंदगी तुम जो आए तो, वो जावेद साहब ने लिखा भी था गाना। तो वो मौका मिला एंड उसके बाद में मधुर के साथ में कई फिल्में की, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड स्कोर पेज थी, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन से आई थिंक ही स्टार्ट वर्किंग विद सलीम सुलेमान दैट्स द वे। और मैंने फिर उसके बाद में मोहित सूरी की सारी फिल्में की आज तक जो भी गाने सब बैकग्राउंड स्कोर, सिवाय एक फिल्म उनकी जो राज टू थी उसमें गाने भी किए थे, उसमें वो गाना था सोनिया ओ सोनिया। तो कमिंग बैक टू म्यूजिक, यू नो अभी की जो ऑडियंसेस है उनका थोड़ा सा टेस्ट म्यूजिक को लेकर चेंज हो गया है, यू नो जैसे लोग रिमिक्स में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, डीजे सॉन्ग्स हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपनी ओपिनियन है इस बारे में, रिमिक्स में बिलीव करने लग गए ऐसा नहीं है, मेरा चॉइसेस हो मेरा गए ओपिनियन ये है सबके। कि क्या हो गया कि पहले एक म्यूजिक डायरेक्टर पूरी फिल्म करता था, तो उसे पता होता था नरेशन वाइज स्टोरी वाइज ये है अच्छा गाना ये आ रहा है, तो हाउ डू वी मेक दैट एल्बम, हाउ डू वी जस्टिफाई एक एक सिचुएशन। और अब क्या हो गया, ट्रेंड ऐसा बदल गया कि एक एल्बम में छः छः म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत सारे हाँ और एक दूसरा एक उसके पहले जो ट्रेंड बदला है वो ये कि पॉसिबली द म्यूजिक डायरेक्टर डजंट इवन नो फिल्म में कहाँ आने वाला है, तो उनके गाने सुनते हैं, गाना पसंद आता है तो वो लेके देन दे अडेप्टेड टू द फिल्म, है ना, तो वो थोड़ा सा स्टाइल बदल गया। तो उससे क्या हो जाता है कि एक पिक्चर का एक माइंड उसको डिज़ाइन नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा बिखर बिखरा होता है। और होता क्या है कि आप न्यू कमर्स में क्या है कि अगर एक हिप हॉप गाना लिया किसी न्यू, वो म्यूजिक डायरेक्टर की एक्सपर्टीज वो जोन ऑफ म्यूजिक में सुपर है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा, वो उसमें बहुत चल रहा है, बट देन ही इज़ नॉट वर्सटाइल। द न्यू गाइज हैव टू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स बींग वर्सटाइल एंड बींग एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस जस्टिफिकेशन। तो उस पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं देन आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से फिल्म्स का म्यूजिक वो नहीं रहा जो हुआ करता था, सीन के लिए था, एक्टर्स के लिए था, और इसीलिए मेरे ख्याल से उन्हें हमेशा एक पुराने गाने का सहारा लेना पड़ता है और वो एक रिमिक्स के तौर पर। लिरिक्स का भी काफ़ी सारे चेंजेस आए, यू नो पहले यस के जो लिरिक्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डेफिनेटली बिकॉज वो पिक्चर के लिए बनाए जाते बनाए थे, वो जाते टेलर मेड थे फॉर द फिल्म, वो सिचुएशन सोच के बनाए जाते थे। ये अभी ये रैंडम हो रहा है कि गाना बना लिया कोई भी सिचुएशन और फिर किसी को पसंद आ गया तो पिक्चर में आम तौर पे ये हो रहा है, यू नो वेरी स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर्स डोंट डू दैट। ओके तो अभी तक कितने सारे गाने हैं जैसे 135 सॉन्ग आपने किए हैं, तो बैकग्राउंड स्कोर्स ऑफ फिल्म्स। हाँ तो आपको कौन सा फेवरेट गाना रहा? द बेस्ट फिल्म
ऐसे तो हमारे कोई भी काम को हम ऐसे नहीं बोल सकते बेस्ट, बिकॉज इट्स अनफेयर टू ऑल द अदर वर्क्स, बिकॉज ऐसा लगेगा इस पर मैंने जान लगा के काम किया था, बाकी पे नहीं किया था, ऐसा नहीं. बट हम लोग एक पिक्चर को जीते कुछ वक्त के लिए, उस वक्त के लिए वो पिक्चर सबसे चैलेंजिंग और वो इम्पोर्टेंट है. तो फिलहाल अभी जो ख़त्म करा है केसरी, तो अभी फिलहाल मैं बोलूँगा अभी दैट रन्स इनटू माय माइंड, बिकॉज वाकई में एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म थी, जहाँ पे इट्स अ वॉर बैटल क्राई, बोलो बैटल फील्ड वो सब, और हमें पूरा ध्यान रखना था कि वॉर बैटल फील्ड धाड़ धाड़ यू नो बुलेट्स ये सब गन्स, उसमें व्यूअर को बहुत नॉइजी नहीं होना, और हम म्यूज़िक भी डाल रहे हैं. तो हमने कोशिश ये की थी, द डायरेक्टर हैड इन माइंड कि इसको म्यूजिकल प्ले करें, सो दैट जहाँ पे सिर्फ हमें गन शॉट्स ये सब लाने हैं तो कई किसी किसी जगह पे जट आउट, अदरवाइज कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. तो म्यूजिक आप लंबा सुन सकते हैं लेकिन ऑल दोज इफेक्ट्स ज़्यादा देर सुनने पे नॉइज बनता है. तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम हिज एंड दैट म्यूजिकल ज़्यादा प्ले, उस पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, अब हर जगह म्यूजिक सही लगे नो हाँ, कॉन्स्टेंटली चालू रखना. वैसे हो सकता है कि कुछ कुछ लोग देखें तो उनको लगे म्यूजिक बहुत ज़्यादा है या ऐसे, बट एक टास्क था ऐसी फिल्म को व्यूइंग के लिए कंफर्टेबल बनाना, तो वो एक टास्क लेते हुए आई थिंक अच्छा म्यूजिकली करके उसको पूरा इमोशनल कर दिया, मतलब इमोशन बेस्ड कर दिया अ वॉर फिल्म को, विच फाइनली वर्क्ड. सो आई गेस इस समय पे तो मैं केसरी हूँ. मतलब डिफिकल्ट कितना होता है मतलब हम ऐसे इस तरीके की एक्शन मूवीज करते हैं और डायरेक्टर्स के भी अलग अलग डिमांड होते हैं मूवीज को लेकर, तो डिफिकल्टीज कितनी हो जाती है एज अ बैकग्राउंड स्कोर? एज अ बैकग्राउंड स्कोर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो कर रहे हैं आप अच्छे भले वेल थॉट सीन वेल शॉट सीन वेल एडिटेड सीन की धज्जियाँ उड़ा सकते हो यू नो, वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. yes, exactly. और वही एक करके एक्सपीरियंस करके एक नैक आता है, जैसे हम साइकिल आज साइकिल चलाए सोचते सोचते या गाड़ी चलाए एक बॉडी सिस्टम है, तो वो आस्ते आस्ते वैसे बात बनती है कि आप जो भी करो वो आपको पता है क्या नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो डिफ़िकल्ट गए हैं बट आई थिंक मुझे करके ही होता है, बट इट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म. बैकग्राउंड स्कोर करना एक गाना करने से एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, और दोनों अपनी अपनी जगह में एक अपनी अपनी अहमियत रखते हैं. बैकग्राउंड स्कोर का एक ही पॉसिबली डाउनफॉल है इंडिया बोलेंगे तो, जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो सिर्फ फिल्म तक सहमत रह जाता है, वो रिलीज़ नहीं होता, बहुत कम हुआ है. और गाने तो फिल्म की पहचान बनते हैं, पहले उससे पहुँचाई जाती है फिल्म लोगों तक, तो वो उसका प्लस पॉइंट है. तो ऑलरेडी तीन गुनगुना दी और कोई सॉन्ग जिससे मैं मेरा एक टेलीविजन सीरियल का एक थीम था, खाली मैंने माही वर्ड यूज़ किया था और वो बहुत पॉपुलर हुआ है, और वो मैं ऐसे ही गुनगुना देता हूँ. माही That's the television statistic. Thank you so much, हमसे बात करने के लिए. Thank you very much.